अगर आप खाली इस एक बात को समझ जाए ना, तो आप जिंदगी में जिस भी जॉब प्रोफेशन या बिजनेस में हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी इनकम को 10 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा क्रूज शिप था। उस शिप पे करीब 4,000 से 5,000 लोग एक समय में ट्रैवल किया करते थे और बहुत महंगे टिकट हुआ करती थी, बहुत कमाल की फैसिलिटीज हुआ करती थी और दुनिया भर के लोग पूरे साल इंतजार करते थे उस क्रूज शिप पे अपनी हॉलिडे मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए। और वो क्रूज शिप कम से कम 5 या 7 कंट्रीज को टच करता था अपने उस सफर के दौरान। ऐसे ही एक यात्रा के दौरान एक बार वो क्रूज शिप मलेशिया आकर हॉल्ट कर रहा था। और इस क्रूज शिप का मॉडल क्या था कि 6 से 8 घंटे यात्रियों को मिलते थे एक जगह पर जब शिप रुकता था, घूमने फिरने के लिए, फोटोज खींचने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए, और उसके बाद वो शिप वहां से निकल जाता था। और अब शिप को निकलना था मलेशिया से, और जैसे ही उन्होंने उस क्रूज शिप को चलाने का प्रयास किया तो वो शिप स्टार्ट नहीं हो रहा है। बहुत प्रयास कर रहे हैं और ये एक बहुत पुरानी क्रूज कंपनी थी, इनके पास कमाल के टॉप क्लास इंजीनियर्स थे और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि क्रूज शिप इस तरह से रुका कि सारे प्रयासों के बावजूद भी कोई भी इंजीनियर उसको स्टार्ट करने में असमर्थ था। 4,000 टूरिस्ट को लेकर जाना है, आगे का पूरा प्लान, 7 दिनों का पूरा प्लान मिनट बाय मिनट बन चुका है। और ये सुनते ही कैप्टन एकदम परेशान हो गए और तनाव में आ गए और उन्होंने तुरंत बोला, इस पोर्ट पे चारों तरफ फैल जाओ और कोई एक मैकेनिक ढूंढ के लाओ जिसको शायद इस क्रूज शिप को चला सकता हो। तो अब चारों तरफ इंजीनियर दौड़ाए गए, लोग दौड़ाए गए और एक मैकेनिक मिला जो बोलता है कि मैं इस क्रूज शिप को 10-15 मिनट में चला दूंगा। कैप्टन की पूरी टीम की जान में जान आई और वो लोग इतने खुश हुए, इतने उत्साहित हुए कि इस उत्साह में उन्होंने उस मैकेनिक से बोल दिया, आप इसे 15 मिनट में अगर स्टार्ट कर देंगे ना तो जो भी फीस आप मांगेंगे हम आपको आपकी मन चाही मुंह मांगी फीस देंगे। तो अपनी वो टूल किट उठा के वो मैकेनिक आता है और 3 से 5 मिनट लगाता है चारों तरफ उस इंजन रूम का मुआयना करता है। और इस ये जो क्रूज शिप होते हैं, इस क्रूज शिप में कोई छोटा मोटा इंजन नहीं है जो गाड़ी या बस में रहता है, एक बड़ा इंजन रूम जैसा रहता है। तो उसने 3 से 5 मिनट लगाए, पूरा मुआयना किया और मुआयना करने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने अपने बैग से जो थैला वो टूल किट लाया था उसमें से एक हथौड़ा निकाला और मशीन का एक खास तरह का पुर्जा था, उस पुर्जे पर उसने जोर से हथौड़ा मार दिया और हथौड़ा मारते ही इंस्टेंटली उसी पल अचानक से उस इंजन के स्टार्ट होने की आवाज आई और इंजन स्टार्ट हो गया। कैप्टन को, इंजीनियर्स को यकीन नहीं हुआ कि एक हथौड़ा मारने से किस तरह से शिप स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने शिप को फिर ऑफ कर दिया, इंजन को फिर दोबारा ऑन किया, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया। उन्होंने बोला, आप 5-10-15 मिनट यहीं रुकिए, हम देखते हैं कि ये दोबारा बंद ना हो जाए। तो वो मैकेनिक बोलता है, आप जितना समय चाहें उतना समय लगा सकते हैं, लेकिन अब आपका जहाज ठीक है, अब आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो वापस पैसेंजर्स आने लगे शिप में, तैयारियां होने लगी शिप के चलने की और उन्होंने 15-20 मिनट के लिए उस मैकेनिक को उधर ही रोक कर रखा। जब सब कुछ सही हो गया तो अब मैकेनिक के जाने का समय था और शिप के उस पोर्ट से निकलने का समय था। तो उन्होंने मैकेनिक से पूछा, आप अपनी फीस बताइए। और मैकेनिक ने बताया, मुझे 4 लाख रुपए चाहिए। 4 लाख रुपए 5 मिनट आकर एक हथौड़ा मारने के, ये बात कैप्टन को, पूरी टीम को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब कैप्टन ने खुद थोड़ी देर पहले ये बात अनाउंस की थी, अगर आप इस शिप को 15 मिनट में स्टार्ट कर देंगे तो मैं आपको मुंह मांगी फीस देने के लिए तैयार हूँ। उसने 15 मिनट नहीं 5 मिनट में शिप को स्टार्ट कर दिया, अब फीस तो देनी पड़ेगी। और उससे भी बड़ी बात, अब शिप को निकलने का समय भी हो चुका है, तो फिर अब क्या करें। तो एक समझदार इंसान कैप्टन के कान में आकर बोलते हैं, हम इस मैकेनिक को बोलते हैं तू आइटम बाय आइटम, आइटम वाइज बिल दे दे। हमारी पॉलिसी है, हम किसी भी बिल की पेमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें आइटम वाइज बिल नहीं मिलता। तो तुम ये दिखा दो बिल में क्या क्या काम तुमने किए जिसकी वजह से तुम्हारा 4 लाख रुपए का टोटल बिल बन गया। और वो सब लोग अपने इस चतुराई से, अपनी इस चाल से बेहद खुश थे क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि मैकेनिक लिख ही नहीं पाएगा कि 4 लाख रुपए के लिए उसने क्या क्या काम किए। मैकेनिक 2 मिनट के बाद मुस्कुराते हुए उनके हाथ में एक कागज दे देता जिस पर उसने आइटम बाय आइटम बिल बनाया था और उस पर लिखा था, हथौड़ा मारने की फीस 1,000 रुपये, हथौड़ा कहाँ मारना है ये पता लगाने की फीस 3,99,000 रुपये। अगर आप खाली इस एक बात को समझ जाए ना,
तो आप जिंदगी में जिस भी जॉब प्रोफेशन या बिजनेस में हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी इनकम को 10 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर से बोलता हूं, दोहराता हूं इस बात को, हथौड़ा मारने की फीस 1,000 रुपये, हथौड़ा लेकिन कहां मारना है ये पता लगाने की फीस 3,99,000 रुपये। आप किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस या जॉब को उठा लीजिए, 100 में से 99 लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी सेम इनकम लेवल पे हैं जिस इनकम लेवल पे 2-3-5 साल पहले थे। कभी इनकम बढ़ती है तो थोड़ी बहुत बढ़ती है, हालात सेम हैं, कुछ नहीं बदल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोग सुबह से शाम तक हथौड़े मार तो रहे हैं, लेकिन हथौड़े को एग्जैक्टली कहाँ मारना चाहिए इस बात के लिए समय नहीं लगा रहे हैं। ये खोज नहीं रहे हैं कि आखिर हथौड़ा मारा कहाँ जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हथौड़ा मारते रहिए, मेहनत करते रहिए, सुबह से शाम तक वही काम करते रहिए जो आप पिछले कई सालों से लगातार करते आए हैं। लेकिन अगर आप वही करते आएंगे जो आज तक किया है, तो फिर वही मिलेगा जो आज तक आपको मिला है। आप ये सेम काम करते रहेंगे तो आपके रिजल्ट या तो सेम रहेंगे या थोड़े बहुत बदल सकते हैं, 2-4-5% का इम्प्रूवमेंट आ सकता है, लेकिन ज़िंदगी में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन कभी नहीं आ सकते। मैंने करीब 20 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया है, 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और जितने भी लोग किसी भी इंडस्ट्री में टॉप 1% में पहुँचे हैं, वो लोग ना सिर्फ हथौड़ा मारने में व्यस्त होते हैं, लेकिन वो ये पता लगाने का ज़रूर लगातार प्रयास करते रहते हैं कि हथौड़ा मारना कहाँ चाहिए। आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, किसी भी अदालत में या किसी भी तहसील में अगर आप जाएंगे, जो एक अपॉइंटमेंट के आपसे 1,00,000 रुपये की फ़ीस चार्ज करेंगे, एसी कैबिन में आते हैं, मर्सिडीज़ बीएमडब्ल्यू चलाते हैं, एंड दे हैव अ सुपर्ब लाइफ, और उसी कचहरी में, उसी कोर्ट में बाकी 99% वकील महीने के 2 क्लाइंट नहीं ढूंढ पाते हैं। ऐसा ही डॉक्टर्स के साथ है, ऐसा ही इंजीनियर्स के साथ है, ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, ऐसा इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ होता है, ऐसा ही जॉब में सबके साथ होता है। 100 में से 99% लोग अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो लगातार काम करते हैं ये चेक किए बिना कि जो कर रहे हैं उससे परिणाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आज के बाद आप एक आदत बनाइए कि हर महीने आप 2-3 घंटे लगाएंगे ये रिव्यू करने में कि जो काम मैं कर रहा हूँ उससे कैसे परिणाम आ रहे हैं, क्या बेहतर हो रहा है, क्या नहीं बेहतर हो रहा है, और चीज़ों को और बेहतर तरीके से कैसे करना चाहिए। 2-3 घंटे ये पता लगाने के लिए लगाइए कि आखिर हथौड़ा मारना कहाँ है। जो भी आप काम करते हो, अपने आप से लगातार ये सवाल पूछिए कि मैं इस काम को और जल्दी और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, और बड़ा कैसे कर सकता हूँ, जल्दी कैसे कर सकता हूँ, बेहतर कैसे कर सकता हूँ। शायद आपको डिफरेंट अप्रोच की ज़रूरत है, शायद आपको अलग तरह की मार्केट में जाना चाहिए, शायद आपको कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, शायद आपको अलग तरह के प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करना चाहिए, शायद आपकी प्रेजेंटेशन का स्टाइल अलग होना चाहिए, जो भी करना पड़े, लेकिन आपको लगातार अपने आप से ये सवाल पूछते जाना है कि इस काम को मैं और तेज़ी से और बड़ा कैसे कर सकता हूँ। लगातार एक चीज़ खोजते रहिए, क्या वो एक चीज़ है जो मैं इस महीने नया करूँ, जो मेरे परिणाम को बेहतर बना दे और जो मुझे इस इंडस्ट्री में टॉप 1% की सिचुएशन में लेकर चला जाए। अपने रिजल्ट्स को लगातार एनालाइज करते रहिए, इवैल्यूएट करते रहिए, और लगातार पूछते रहिए हथौड़ा कहाँ मारना है। और अगर आपको लगता है कि इस एक सवाल का जवाब आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकता है कि हथौड़ा कहाँ मारना चाहिए, तो फिर ज़रूर इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ जहाँ आप कर सकती हो, क्योंकि 100 में से 99 लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, हथौड़ा मारते चले जा रहे हैं, मोटिवेशन है, गोल्स भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि उन्हें पता नहीं है हथौड़ा कहाँ मारना है। शायद ये एक दो सवाल जो मैंने आपसे पूछे हैं और आपको ढूंढने के लिए कहा है, अगर उन्होंने भी ये ढूंढने शुरू कर दिए तो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो देन सब्सक्राइब आवर चैनल दीपक बजाज राइट नाउ। दुनिया के 150 देशों से 980,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे साथ हैं। पिछले करीब 4 सालों से हम लोग हर हफ्ते कमाल के वीडियोस इस चैनल पर डालते हैं जो आपकी लाइफ और करियर को कई गुना की रफ्तार दे सकते हैं। 750 से ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर डल चुके हैं, तो ये आपके लिए 24/7 फ्री ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी है, तो इसको मिस मत करिएगा। आई हैव वन ड्रीम माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।